आज हम इस बॉल और इस पॉट और इस कपड़े की सहायता से एक पॉट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों, हम इस कपड़े को गोलाई में काट लेंगे। किसी चीज़ को रख कर के हम इस पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसे गोल काट देंगे। इस कपड़े को अब हम काट लेंगे कैंची से। दोस्तों, इस बॉल को रख करके हम इसके ऊपर अब इसके साइज का एक घेरा काट देंगे। दोस्तों, मैंने इसको इस तरह से काट दिया है, और इस पर पेन के निशान से मैंने इसके पत्ती की डिज़ाइन इस पर बना दी है। इसको मैं कैंची से काट दूंगा। पॉट में हम थोड़ी सी बालू भर लेंगे नीचे इस तरह से, और इस बॉल को हम इसमें फिक्स कर देंगे। आप इसे एक कच्ची मिट्टी की ज़मीन में भी बना सकते हैं। जिसके पास में कच्ची मिट्टी की ज़मीन या क्यारी नहीं है, वो अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी डाल करके इस तरह से ढेरी बना करके भी बना सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा सा ये रेत पड़ा हुआ था, तो मैं इसमें बना लेता हूँ। इस कपड़े को दोस्तों मैंने कैंची से इस तरह से पत्तियों के आकार में काट लिया है। इसको बनाने के लिए दोस्तों हमने एक भाग सीमेंट का ले लिया है, और एक भाग ही हमने ये रिवर सैंड है, नदी का रेत, ये ले लिया है। इसको हम दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। ये हमने इस तरह से आटे की तरह इसको बना लिया है, जैसे आटा होता है, इतना गीला कर लिया है हमने सीमेंट को। और हम धीरे धीरे अब इस किनारी में लगाना शुरू करेंगे नीचे की ओर। जो किनारी है इसमें पहले लगा देंगे, ताकि ये बॉल फिक्स हो जाएगी। दोस्तों, हमने इसको बॉल को इसमें फिक्स कर दिया है, और ये चारों तरफ से फिक्स हो गई है बॉल अब इसमें। दोस्तों, अब इस कपड़े को हम, ये सीमेंट और बालू का घोल है, इसको हम इसमें गीला कर लेंगे। इस कपड़े को दोस्तों हम इसके ऊपर फैला देंगे। इस तरह से लगा दिया है। अब इसके बचे हुए हिस्से के ऊपर भी हम सीमेंट लगा करके चारों तरफ से इसको कवर कर देंगे। चारों तरफ से हमें एक सी सीमेंट लगानी है। दोस्तों, इसमें इस तरह से हम पत्तियों पे भी सीमेंट लगा लेंगे नीचे नीचे की ओर।
इस तरह से दोस्तों हम पत्ती की डिजाइन सीमेंट से काट लेंगे। मैंने इस तरह की डिजाइन बना ली है ये पत्ती की काट करके। दोस्तों इस पत्ती की सहायता से हम इस पत्ती को उठा लेंगे इस पे से। इस तरह से ये हमने उठा ली है और इस पॉट के ऊपर हम इसको चिपका देंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर लगा लेंगे। दोस्तों हम इस तरह से इन पत्तियों को लगा लेंगे सीमेंट की। काफ़ी लोगों ने दोस्तों मुझसे ये कहा है कि हमारा ये पॉट क्रैक हो जाता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको इसको धूप में नहीं बनाना है, आप इसे छाया में बनाएं तो ये क्रैक नहीं होगा। दोस्तों इस तरह से हमने इसके ऊपर ये डिजाइन बना दी है। दोस्तों अब हम इसका तला बना देंगे थोड़ा सा नीचे सीमेंट लगा करके। दोस्तों इसमें हम इस तरह से नीचे हमने ये इसका तला बना दिया है और इसमें स्टैंड लगाने के लिए मैं एक जगह बना देता हूँ ताकि बाद में मैं इसमें कोई स्टैंड फिक्स कर सकूँगा। दोस्तों आपके पास यदि कोई स्टैंड नहीं है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। दोस्तों ये सूख थोड़ा सूख गया है। मैं इसको सीधा करने से पहले इसके अंदर स्टैंड लगा दूंगा। सीमेंट लगा करके इसमें एक स्टैंड फिक्स कर दूंगा। ये मैंने इस तरह का एक स्टैंड बनाया है। इस तरह से सीमेंट लगा करके हम इसे फिक्स कर दें। तो इसको 24 घंटे का समय हो गया है, ये स्टैंड भी इसमें फिक्स हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसको इस तरह से हिला करके बालू में से निकाल लेंगे। इसकी साइड की बालू को हम खाली कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने ये निकाल लिया है इसको। इसकी बालू को साफ करके दोस्तों अब हम इस बॉल को निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमने निकाल ली है इसमें से दोस्तों। और ये बहुत सुंदर पॉट बन गया है दोस्तों। दोस्तों मैं काफ़ी आसान तरीके से घर पे पॉट बनाना बताता हूँ। आप लोग जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो के नीचे दोस्तों लाइक बटन अवश्य दबा दीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे अच्छा लगेगा। पानी डाल करके हम इसको धो करके साफ कर लेते हैं। दोस्तों आप इस पर कोई अच्छा सा पेंट करके आप अपने गार्डन में इसको लगा सकते हैं। इस पर जो पेंट आपको अच्छा लगता हो वो कर सकते हैं। इसमें दोस्तों नीचे की ओर ड्रेनेज होल मैंने किया नहीं था, मेरे पास ड्रिल मशीन है तो मैं साइड से एक ड्रेनेज होल बना दूंगा। आप चाहें तो पहले भी ये ड्रेनेज होल बना सकते हैं सीमेंट में, जब सीमेंट गीली होती है। मैंने स्टैंड लगाया है इसलिए मैं अपना स्टैंड की जगह छोड़ते हुए एक ड्रेनेज होल बना दूंगा, इसलिए मैंने ये ड्रेनेज होल अब पहले नहीं बनाया था। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम अपने घर पे ये पॉट बना सकते हैं और बहुत सुंदर पॉट घर पे बन जाते हैं। दोस्तों मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन की घंटी अवश्य प्रेस कर दें वीडियो के नीचे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।